नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन के तरफ से आज एक नोटोरियस इंटर डिस्ट्रिक्ट हाउस बगलर गैंग का अरेस्ट हुआ। ये 12 मेंबर गैंग हैदराबाद, राजकोंडा, साइबराबाद, वारंगल, जनगांव और सब डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई सालों से ऑफेंसेस किए। जैसा कि आपके सामने है, पूरे रिकवरी में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी नॉर्थ जोन सिटी पुलिस के तरफ से अभी तक हुआ है। इस गैंग में लीडर मोहम्मद सद्दाम अली, जो कि एक वेल्डर का काम करता है, रेसिडेंट ऑफ मौलाली, और इसका को लीडर को अक्यूज्ड मोका पोत राजू, एलियस राजू, जो कि 22 इयर्स का है और लेबरर का काम करता है। मोहम्मद अनवर अली वेल्डर का काम करता है, जो कि अक्यूज्ड वन का एल्डर ब्रदर है। श्रीमती सलीमा हाउसवाइफ और मदर ऑफ अक्यूज्ड वन। श्रीमती ममता एल्डर सिस्टर हैं पोत राजू के। सैयद मोहम्मद सलमान ब्रदर इन लॉ ऑफ A1। श्रीमती आशिया बेगम एल्डर सिस्टर ऑफ A1 एंड वाइफ ऑफ A6। मिस नाजिया बेगम, जो कि सद्दाम अली की यंगर सिस्टर हैं। इस पूरे केस में 2 प्रॉपर्टी ऑफेंडर, जिनका रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी चंद्रकांत मोहिते, जो रेसिडेंट ऑफ मलकाजगिरी का है, और बापू आनंद अर्जुन एलियस पिंटू अर्जुन, जो रेसिडेंट ऑफ कवाड़ी घोड़ा का है, इन लोगों का भी अरेस्ट हुआ है। इसके साथ कासिम अली, जो फादर ऑफ सद्दाम अली है, मोहम्मद रुस्तम, जो फ्रेंड ऑफ A1 और A2 है। इस पूरे केस में जो अभी तक रिकवरी हुआ, जो आपके सामने है, गोल्ड ऑर्नामेंट लगभग 5 किलो, सिल्वर आर्टिकल 12.5 किलो, नेट कैश 7,16,500 रुपीज, 4 मोटरसाइकिल, जिसमें 2 हीरो होंडा एक्टिवा, यामहा FZ और 1 एवेंजर, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें 40 इंचेस सैमसंग LED टीवी, सोनी फोटो कैमरा एंड 1 प्लस सेल फोन। इस पूरे क्राइम में एक खास बात यह है कि ये पूरे क्रिमिनल गैंग प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसके पैसे से, जिसे कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उस पैसे से एक सिंगल बेडरूम फ्लैट, जो कि कृपा दीपा अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे है, सूर्या नगर एनक्लेव नरेडमड, 400 SFT का, ये लोग उसको परचेज किए इसी पैसे से। ये पूरे गैंग का हिस्ट्री इस प्रकार से है। मोहम्मद सद्दाम अली एलियस इमरान अली, जो A1 है, और मोका पोत राजू, जो A2 है, ये बचपन से ही गलत लाइन पे चले गए और 2010 से ये लोग हाउस बर्गलरी एज ए जुवेनाइल शुरू किए थे। सबसे पहले ये लोग मलकाजगिरी पुलिस से 2010 में 4 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इन्वॉल्वमेंट के कारण इन लोगों का अरेस्ट हुआ। उसके बाद 2013, 2015, 2016 में एक बार फिर ये लोग अरेस्ट हुए, HB बाई नाइट और ऑर्डिनरी थेफ्ट में इनका इन्वॉल्वमेंट था, जो कि मलकाजगिरी और केसरा पुलिस स्टेशन में ये लोग कमिट करे थे। A2 पोतराजू 2012, 2016 में HB बाई नाइट और हाउस थेफ्ट के लिए नाचारम और मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुए। इसके बाद 2017 में वारंगल पुलिस आजमजाही मिल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक केस, पर्वतगिरी में दूसरा केस, सूबेदारी पुलिस स्टेशन का एक केस, परकाल पुलिस स्टेशन का एक केस, और 2 केसेस हनमगुंडा पुलिस स्टेशन एंड 5 केसेस ऑफ काकतिया यूनिवर्सिटी एंड 1 केस ऑफ जनगांव, इसमें ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और जिसमें इनका अरेस्ट हुआ। इनके काम करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि मोहम्मद सद्दाम एलियस इमरान अली A1 और पोत राजू A2, ये लोग पहले रेकी करते थे मोटरसाइकिल में किसी भी कॉलोनी में जाकर, और दिन के समय ये लोग जो लॉक्ड हाउसेज होता है,
वो लॉक्ड हाउसेस को देखते थे किसमें ऑफेंस करना आसान है, और उसके बाद वो लोग इस तरह के घरों को, हाउसेस को टारगेट करते थे जिसमें पीछे के दरवाजे या पीछे के खिड़की से अंदर आना आसान हो। इस गैंग में एक खास बात यह भी है कि इसमें फैमिली मेंबर्स जो लेडीज हैं वो लोग भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करते थे, और ख़ास करके जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको छिपाने के लिए और उसको रिसीवर के पास ले जाने के लिए ये लेडीज़ का हेल्प होता था। आफ्टर कमिटिंग ऑफेंसेस ये लोग अपनी मदर जो A4 है इस केस में, और दूसरे फैमिली मेंबर्स जैसे अनवर अली, सलमान, आयशा बेगम, नजीहा बेगम, कासिम अली और अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये लोग को डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते थे। इसमें जो दो रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी हैं, चंद्रकांत जो कि मलकाजगिरी के रहने वाले हैं और अर्जुन पिंटू जो मोंडा मार्केट सिकंदराबाद का रहने वाला है, ये लोग दोनों का को भी अरेस्ट किया गया है। बहुत समय के बाद इस तरह का केस आया जिसमें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि फ्लैट का ये लोग चोरी के पैसे से खरीदे हैं। ये पूरा केस गोपालपुरम पुलिस के तरफ से बहुत अच्छा डिटेक्शन हुआ, और अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें टोटल 34 हाउस बर्गलरीज इन हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा कमिश्नरेट में ये लोग कन्फेस